भाई का चैनल और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलती रहूंगी इसकी वीडियो पे। और गलत कमेंट करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, गलत नजरिए से देखते हैं कि ये लोग वो धंधा करते हैं, वो काम करते हैं। तब रात हो ना हो ऐसे ज्यादातर सुनेंगे। अगर किसी ट्रांसजेंडर को ये बोलेंगे आप लोगों को रेप नहीं होता, उसी का ज्यादा रेप हो जाता है। हेलो भाई, वेलकम माई न्यू ब्लॉग। और आप सीन देखें और समझे कि मतलब मैं कहाँ पे हूँ। देखिए जहन्नुम टाइप का है, जहन्नुम टाइप का है, और यहीं पे आए हैं और यहाँ पे है इन लोगों का रूम, और यहीं पे चलेंगे अंदर और ब्लॉगिंग करेंगे, पूछताछ करेंगे थोड़ा क्या होगा। और नीलेश भैया भी आए हैं तो इस माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कैसे और क्या होता है सब। आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका बाइक है, मतलब हम लोग खड़ा कर दिए और फिर इधर ही रहते हैं ये लोग। देखिए कहाँ पे, हाय, इतने दूर से आप लोग के लिए आ गए, कैसा लग रहा है? चलिए, ऊपर से छत से हम लोगों को देख रहे थे, मतलब ये लोग देख रहे थे कि मतलब कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। काफ़ी दूर हूँ, बल्कि ये तस्वीर आज ऐसे देखा जाए कि कुछ सोच के हम लोग बाहर निकले थे, बल्कि एक मुद्दे की खड़ा कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, जो कि लगातार मनुष्य की प्रजातियों में, जो कि मनुष्य की दूसरी प्रजाति जो किन्नर हैं, वो कहीं ना कहीं अपने दुख और परेशानियों का सामना करते हुए आज हमारे क्षेत्र में पहुँचे हुए हैं। उनसे बल्कि स्टेज प्रोग्राम माध्यम से, बल्कि हम ये जानेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, बल्कि जब इस भारत में जब स्वतंत्र मिला हुआ है, किन्नरों को भी स्वतंत्र मिला हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए रोजगार की मैं बात करूं तो उनको कहीं रोजगार नहीं मिल पाता है, या उनको कोई रोजगार नहीं मिल पाता है, और ये के चलते कहीं ना कहीं एक अलग वर्ड जो कहा जाए कि उनका जो शब्द होता है वो कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। तो आज हमारे साथ वो किन्नर हैं और उन किन्नर से हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनका नाम कृष्णा है, और काफ़ी आज सोशल मीडिया पर चर्चित हो चुकी हैं, जो कि लगातार डांस भी करती हैं अपना अच्छे अच्छे खास प्रोग्राम में, लोगों की खुशहाली में, आम पब्लिक की, जो आम पब्लिक की खुशहाली में वो कहीं ना कहीं अपना हुनर दिखा कर लोगों की खुशी का दिल जीत लेती हैं। तो इसी के बीच में हमारे साथ हैं, दूर दूर से ये बंगाल से आकर ये बलिया जिला में अभी हैं, और बलिया जिला में इन्हें कुछ अपनी परेशानी को बताया, और परेशानी समझने के बाद ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आम जनता इन लोगों के लिए कोई रोजगार का मुद्दा खड़ा करे तो हो सकते कि रोड में जो पैसा वसूली किया जा रहा है कि ना अपने जो धर्म माता के लिए अपना पैसा चंदा इकट्ठा करती है, तो हो सकते कि उनका चंदा अपनी मेहनत की कमाई करके वो चंदा अपने गुरु में दें या अन्य स्थान पर ही अपना लगाएं। तो पहले तो कृष्णा जी आपका स्वागत। अच्छा कृष्णा जी, आप कितने साल से यहाँ आए हैं और कब से आप डांस में लगे हुए हैं, और आपकी क्वालिफिकेशन की मैं जानकारी लूँ तो आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? मेरा क्वालिफिकेशन अभी 12th पास है, मैं फर्स्ट ईयर पढ़ती हूँ अभी तक। अच्छा, हाँ, और मैं यहाँ पे लगातार 1 साल होने वाला है, मैं यूपी में आई हूँ। अच्छा, यूपी में आकर आप क्या कर रही हैं? यूपी में आके मैं फिलहाल अभी डांसिंग कर रही हूँ, डांसिंग लाइन में हूँ, लगन करती हूँ। अच्छा, इसी से कुछ कुछ रोजगार होता है, काम होता है। अच्छा, देखा जाए कि आपकी सत्ता में, मतलब कि आपके ही जो कैटेगरी के जो लोग हैं, पब्लिक है, वो कहीं ना कहीं आज चुनाव भी लड़ रहे हैं या वो मंत्री भी बन जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ऐसा नहीं होता है कि जो आम धरना दे रही हैं आप रोडों पे खड़े होकर, या रोडों पे गाड़ियों से पैसा वसूली कर रही हैं या पैसा मांग रही हैं, या खुशी का जो आपका माहौल होता है वो कहीं ना कहीं जाते हैं तो लोग आपको गलत एक हरकत करते हैं, तो इसमें आप क्या मंत्री जी से आपने कुछ अपने निवेदन नहीं किया कि हमारे लिए भी कोई रोजगार चाहिए? देखिए, निवेदन तो हम लोग बहुत किया, जैसे हम लोगों की एक ट्रांसजेंडर बोर्ड का वोट निकला है 2018 में, हम लोगों का शादी का रोज भी दिया है सरकार ने, तो हम लोग बहुत लोग सारे शादी भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हमारे फिर भी रास्ते में जब जाते हैं तो लोग गलत कमेंट करते हैं, गलत नजरिए से देखते हैं कि ये लोग वो धंधा करते हैं, वो काम करते हैं, तब हम लोग को बहुत बुरा लगता है। तो हम भी इनकम करते हैं, हमारा भी इज्जत है ना, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों को कुछ मतलब सम्मान मिले समाज में, हम लोगों को कुछ थोड़ा रिस्पेक्ट मिले, हर जगह पे एक जैसा मेंटलिटी कोई नहीं होता बस। तो ये जब आप क्वालिफिकेशन प्लस टू किए हैं, साइंस से किए हैं कि आर्ट्स से? साइंस से किए। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, साइंस के स्टूडेंट हैं। हाँ। तो आप मतलब कि साइंस में के प्लस टू आपका क्लियर हो गया है? नहीं, मैं अभी मतलब 12th पास करके कॉलेज में एडमिशन होंगी घर पे जाके। अच्छा, कॉलेज में क्या करने का आगे क्या आपका विचार है, आगे क्या करेंगे आप? आगे तो बहुत इच्छा है कि मैं नौकरी करूंगी, इसलिए मैंने होटल मैनेजमेंट भी कोर्स कम्प्लीट किया, सुप्रीम कोर्ट से मुझे ये सुजोग सुविधा मिला है, मैं कोलकाता में होटल हयात में होटल इंडस्ट्री में होटल मैनेजमेंट कर चुकी हूँ बस।
अच्छा होटल मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें आपकी वेतन क्या होती है, और जब होटल आप मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें आप डांस में आने का क्या कारण है? कारण तो बहुत कुछ है, देखिए वहाँ से हम लोगों को ट्रेनिंग दिलवा देती है ना, तो ट्रेनिंग दिलवाने के बाद फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पैसा चाहिए अपना खर्चा के लिए, कुछ पैसा चाहिए। तो आप अगर कहीं पे जाएंगे दूसरा अलग सा जॉब ढूंढने तो वहाँ पे नहीं मिलेगा कि तुम ये हो वो हो, इसलिए लगन करना चाहते हैं। ये पब्लिक के अंदर जो भेदभाव की भावना है वो कहीं ना कहीं कल्पना कर रही है हमारे बीच में कि ये बल्कि ये किन्नर है, किन्नर कहीं ना कहीं वो मनुष्य का एक दूसरा जगह है कि जो कि किन्नरों का एक नाम दिया गया है, बल्कि इनमें कोई भेदभाव की हम बात करें या मैं पढ़ाई की बात करूं या क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कोई हमारे से अलग नहीं है, बल्कि इंग्लिश भी मुझे 50% ये इंग्लिश भी बोलती हैं और ये होटल मैनेजमेंट भी करती हैं जो कि अच्छा एक प्लेटफार्म वर्क है वो कहीं ना कहीं आज हमारे बीच में। तो कृष्ण जी आप अभी तक कितने प्रोग्राम कर चुके हैं स्टेज में? कहाँ का स्टेज में तो बहुत सारे प्रोग्राम कर चुकी हूँ, ऑर्केस्ट्रा कर चुकी हूँ, बैंड कर चुकी हूँ, और फिलहाल मैं सिंगिंग भी करती हूँ कोलकाता में। अच्छा सिंगिंग करते हैं, हिंदी गाना सुनाते हैं या भोजपुरी? मैं बेसिकली बॉलीवुड गाना गाती हूँ। अच्छा बॉलीवुड गाना गाता है, बॉलीवुड गाना कैसे सुनाइए? जैसे कि लता जी का गाया हुआ गाना, श्रेया जी का गाया हुआ गाना, पुराना जो फिल्में होता है जो लग जा गले, ये सब नहीं, गाना गाकर सुनाइए, दो चार लाइन गाना सुनाइए हमारे दर्शकों को, कैमरा दूर करिए थोड़ा। हाँ दो चार गाना सुनाइए जो कि हमारे दर्शक लोग आपके गाना सुने और आपके फैन हो जाए। एक लाइन थोड़ा सा सुनाइए कोई भी। लग जा गले जब आप इतना अच्छा गाना गाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टूडियो में कहीं एक बार आप लोगों को मतलब कि आपने ट्राई नहीं किया कि स्टूडियो में जाकर हम गाना गाएं? बहुत आप शरीर कहाँ से देंगे? वही तो आप नहीं, ये जब कॉपी कार है पहला सवाल है कि यहाँ पर हमारा है कि जब इनसे ये कौन कहता है, आपकी पब्लिक कहती है कि आपके डिपार्टमेंट में, तो पब्लिक आप शरीर कहाँ से दीजिए? ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग इतने लोग रेप नहीं होते कि, तो लेकिन रास्ते पे जब चलेंगे ना तो ज़्यादातर ट्रांसजेंडर लोगों को ही रेप करते हैं, ऐसे ज़्यादातर सुनेंगे। अगर किसी ट्रांसजेंडर को ये बोलेंगे आप लोगों को रेप नहीं होता, उसी का ज्यादा रेप हो जाता है। एक तो मैं अभी बात बता दूं कि हमारे पास सेम वही हैं जो कि मैं किन्नर, इनका एक हिंदी का वर्ड में इनका वर्ड का प्रयोग किया जाता है, बल्कि इनका जो एक आता है कि आम पब्लिक जो हिजड़ा भी कहती है और दूसरी तरफ से किन्नर एक हिंदी का शब्द है, किन्नर बल्कि एक सुनने में भी एक अच्छा वर्ड लगता है, वही हमारे साथ हैं, बल्कि अपनी परेशानियों को समझा रही हैं कि आम पब्लिक जेकर इनको आगे बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं अपना शरीर का ये दावा ठोक रही हैं कि आम पब्लिक हमारे शरीर का बदन का हक मांगते हैं। तो इनसे अब सवाल यही है कि आपका जब वो शरीर आपका उसका मांगने का अधिकार कहाँ है और वो मांगने का आपका हक आपके पास है कहाँ कि उनके साथ शरीर और बदन का बात करने मेरे साथ? देखिए ऐसे लोग तो बहुत सारे हैं जो सिर्फ शरीर को ही चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लड़की भी जो है कोई हर किसी को वो पसंद नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे लोग के पास चले आते हैं। कोई बात नहीं, बल्कि अपने हुनर के लिए बाहर से बंगाल से उपस्थित होके बंगाल से आकर हमारे बलिया में उपस्थित हुई हैं और कहीं ना कहीं ये डांस जो है अपनी कला दिखाकर डांस का दिखाकर कहीं ना कहीं लोगों के आम पब्लिक का कहीं ना कहीं एक खुशहाली के माहौल पर या खुशी के शुभ अवसर के मौका पर पहुँच कर कहीं ना कहीं उन लोगों का हौसला बढ़ाती है। और कहीं ना कहीं मैं आम पब्लिक से यही निवेदन करूँ और गवर्नमेंट सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक रोजगार का या फैक्ट्री का ओपन करवाएं और नहीं तो इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं इनको एक अलग प्लेटफार्म पे इनको एक सर्विस दी जाए। कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्यों बोलो मैं नहीं, देखो काफ़ी हवा चल रही है इसके और हम दोनों लोग छत पे हैं और नीलेश भैया नीचे हैं, ठीक है। तो और दो तीन डांसर आने वाले हैं तो उनका वेट कर रहे हैं, थोड़ा देखो आ जाए तो सही है, नहीं तो चल जाएंगे। तो बताओ हमारे वीडियो के बारे में। अगर राज भाई का चैनल और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और मैं मिलते रहूँगी इसकी वीडियो पे और इसके चैनल पे, हमारे वीडियो पे ये मिलते रहेंगे और कोई गलत नहीं सोचेगा, ठीक है भाई, ये बस आपके पास इन्फॉर्मेशन देनी थी। चलो बाय बाय, सभी को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।